हेलो स्टूडेंट्स, एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है अपन को, रेडियस आर बोल रहा है, सॉफ्ट है और उसकी बल्क मॉडुलस के है ना। बल्क निकालना है अपन को। उसको लिक्विड में रख के किसी कंटेनर में रखा है जिसका शेप सिलेंड्रिकल है। पहले समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है अपन से, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर को अगर अज्यूम करके देखोगे ना बच्चों, तो इस तरह से कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर में रेडियस आर का स्फीयर रखा देखेगा, और लिक्विड वगैरह इसने बोला है कि सब थ्रू आउट में पड़ा हुआ है, ठीक है। मासलेस पिस्टन है, ये रहा आपका पिस्टन जिसका एरिया बताया गया है ए, स्मॉल ए, राइट। ये कंफ्यूज नहीं होना है। फिर कहता है फ्लोट्स ऑन द सरफेस कवरिंग द एंटायर क्रॉस सेक्शन, स्टैंडर्ड थ्योरी है, ये पूरा कवर कर रहा है। व्हेन द मास एम इज प्लेस ऑन द पिस्टन, कहने का मतलब है इस मास एम को पिस्टन पे रख दिया गया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, उसको अपन एमजी बोल सकते हैं, है ना। और पास्कल लॉ और फ्लूइड स्टैटिक्स की बात मैं करूं तो इस जो स्फीयर के ऊपर या इसके पूरे सरफेस पे सब डायरेक्शन से इस तरह का बच्चों फोर्स लगने लग जाएगा, जिससे अल्टीमेटली प्रेशर का टर्म मिलेगा, राइट। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया का टर्म होगा, और फोर्स किसकी वजह से होगा? यहाँ पर एम और जी की वजह से, और एरिया हो जाएगा स्मॉल वाला ए, राइट। यहाँ पर आर होगा, कंप्रेशन होगा तो कुछ चेंजेस भी मिलने लग जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि थ्योरेटिकली अपन वॉल्यूम देखते हैं और छोटा सा वॉल्यूम चेंज मिलता है, उस वाले वॉल्यूम चेंज को अपन क्या बुलाते हैं बच्चों? डीवी बुलाते हैं, राइट। तो यहीं से कुछ आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। फिर कहता है पिस्टन है, उसने कंप्रेस कर दिया लिक्विड को, तो यही सब है, लिक्विड की वजह से अपना बॉडी कितना चेंज हो रहा है। फिर कहता है फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन द स्फीयर, मतलब इसका जो रेडियस है ना उसमें डिक्रीमेंट समझाना अपन को। फ्रैक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा? चेंज लिखा है और ये टोटल लिखा हुआ है, या प्रीवियस वैल्यू लिखी है और ये चेंज लिखा हुआ है, ये अपन से सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन टेम्परेचर से रिगार्डिंग लास्ट ईयर पूछा गया था, और इस साल इसने क्या किया है? वाटर से रिलेट करके या लिक्विड से रिलेट करके पिस्टन में रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो, वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं 4/3 π r का क्यूब। वॉल्यूम जा रहा है रेडियस के, वॉल्यूम रेडियस के डिपेंड कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन dv डिवाइड बाय dr इज इक्वल्स टू 4/3 π। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 3 मिल रहा है और r का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ कैंसिलेशंस कर लेंगे और dv का टर्म डायरेक्ट लिख देंगे, ये हो जाएगा 4π r का स्क्वायर डॉट ऑफ dr, राइट। अब बात करते हैं अपन बल्क मॉड्यूलस की, यहाँ पे मेंशनड है, तो कैपिटल का बी कह सकते हैं या के कह सकते हैं, और फॉर्मूला होता है बल्क मॉड्यूलस का, नेगेटिव में लिखा होता है पी, और ये हो जाएगा dv/v। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। ये अपना टर्म मिल रहा है के, और प्रेशर का टर्म आ रहा है अपने पास, यहाँ सॉल्व करके रखा है आप लोगों ने, वो होता है mg/a, और यहाँ हो रहा है अपने पास dv, जो कि ऑलरेडी फाइंड आउट किया गया है, 4π r² dr, और यहाँ हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, वो भी अपन को पता होता है 4/3 π r का क्यूब। कर लेते हैं कैंसिलेशंस, ये कैंसिलेशंस हो रहा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल रहा है dr/r का टर्म है, उसको इधर ले आओगे तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? dr/r इज इक्वल्स टू माइनस में आ रहा है, ये 3 है, तो हो जाएगा mg/, ये भी नीचे चला जाएगा, तो लिख सकते हो 3a, और यहाँ पर k है तो इसको k कह सकते हो। नेगेटिव का मतलब है ये कंप्रेशन शो कर रहा है बच्चों, ठीक रहेगा। और dr/r मतलब फ्रैक्शनल चेंज होगा, आंसर है mg/3 k और a, ऑप्शन 2 इसका सही जा रहा है। सीक्वेंस क्या है? आपने पहले ये अज्यूम कर लिया कि एक सॉलिड स्फीयर है जो लिक्विड के अंदर रखा गया है, तो यहाँ से इसको प्रेशर जो पड़ रहा होगा मास रखने से, वो ये मिल जाएगा mg/a। फिर आपने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया और dv के टर्म को सॉल्व किया, तो वो यहाँ पे रख दिया गया और आंसर आ गया है। ये बच्चों एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जब भी अपन बल्क मॉडुलस पढ़ते हैं, माइनस ऑफ प्रेशर dv/v ओवर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।